अब रुक करते हैं बापू चिन्मयानंद जी का, अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक हैं और आध्यात्मिक जगत के एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके मार्गदर्शन पर लोग चलते हैं। बापू, बहुत स्वागत है आपका गंगा प्रतिज्ञा ई संकल्प में। जी जय सियाराम, आपको भी और सभी दर्शकों को। बापू, सबसे पहला सवाल यही है कि जिस तरीके की आज की परिस्थितियां हैं, जिस तरीके का भौतिक जगत है और जो हालात कोरोना काल में बने कि लोगों के मन में ये था कि शव को अगर हम बहा भी देंगे तो उस मृतक को मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन इससे गंगा प्रदूषण हो गया, बहुत बड़े स्तर पर हुआ। कैसे गंगा को बचाया जाए और क्या इस तरीके के धार्मिक क्रियाकलाप किसी को मुक्ति दे सकते हैं? मैं इसमें यही कहना चाहूंगा कि कई बार अज्ञानता के कारण पुण्य की बजाय हम अपराध हो जाता है, तो मैं ऐसे सभी लोगों को प्रार्थना करता हूं कि आप जिस मृतक की मुक्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं वह प्रयास अनजाने में माँ गंगा का अपराध बन रहा है, जल के जो देव हैं वरुण देव उनका अपराध बन रहा है और प्रदूषण के कारण उस गंगा जल को पान करने वाले, उसमें रहने वाले तमाम जीव जंतु उनका अपराध हो रहा है। तो मैं ऐसे सभी लोगों को प्रार्थना करूं कि मृतक के प्रति हमारी संवेदना होनी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन उनकी अंत्येष्टि जब तक आप शास्त्रोक्त ढंग से नहीं करेंगे, जो पुराणों में वर्णन है, जो शास्त्रों में वर्णन है, उस ढंग से भी आप उन अंत्येष्टि नहीं करते हैं तो उनकी भी मुक्ति नहीं होती है, उनकी भी सदगति नहीं होती है। और दूसरा, आपको एक अपराध लग जाता है माँ गंगा को अपवित्र करने का। तो ऐसे सभी लोगों को मेरी यही प्रार्थना है, क्योंकि गंगा मैया भारत भूमि की, भारत के लोगों की प्राण है, इसको बचाने में हम सभी की सहभागिता बहुत अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। जब तक हम लोग सभी इसमें जगेंगे नहीं, प्रयास नहीं करेंगे, तब तक तो गंगा और प्रदूषित होती चली जाएगी। इसलिए हमारा और आपका उत्तरदायित्व है, कर्तव्य है कि अपने पूर्वजों का भी, अपने परिवार के भी की मृत्यु हो गई है किसी कारणवश, तो उनका भी हम सम्मान रखें और मरने वाले व्यक्ति को भी अपराध बोध न हो, क्योंकि 13 दिन तक कहते हैं आत्माएं धरती पर रहती हैं, अपने शरीर के आसपास रहती हैं, तो कहीं ना कहीं उनको अपराध बोध भी हो रहा हो, तो ये पाप अनजान। जी बिल्कुल बाबू, मेरा प्रश्न ये भी है कि जैसा कि आपने बताया कि अनजाने में पाप हो रहा है और शास्त्रीय जो विधि है उसका पालन करना जरूरी है, तो क्या गलतियां ये इसी वजह से हो रही हैं क्योंकि लोग रामचरितमानस से दूर हो गए हैं, भागवत से दूर हो गए हैं, भगवत गीता से दूर हो गए हैं, पुराणों से दूर हो गए हैं, क्या ये गलतियां इस वजह से हो रही हैं और ये गलतियां सुधरेंगी कैसे? महापुरुषों की संगति से दूर जा रहे हैं, इसलिए जीवन में जो ऋषियों ने एक नियम बनाया था, एक जो व्यवस्था बनाई थी, उन व्यवस्थाओं से लोग अपरिचित हो रहे हैं। आजकल भौतिकतावाद हमारी मानसिकता पर इतना छाया हुआ है कि उस भौतिकतावाद के कारण हमारा अध्यात्म तो हमसे बहुत दूर निकल गया, हमारे शास्त्र पुराण तो हमसे बहुत दूर निकल गए। तो मैं ऐसे खासकर युवा भाई बहन से भी प्रार्थना करूँगा कि आप अपने समय का कम से कम 1 घंटा सदग्रंथों को आप देना शुरू करें तो जीवन की बहुत सारी समस्याएं खुद ब खुद अपने आप उसका हल हमारे सामने आ जाएगा। रामचरितमानस में हर समस्या का समाधान, भगवद गीता में हर समस्या का समाधान, ऐसे बहुत सारे शास्त्र हैं जिसमें संतों ने हर समस्या का समाधान, आने वाले परेशानियों का भी समाधान शास्त्रों में रख दिया है। ये हमारी अनिश्चितता के कारण, हमारी अज्ञानता के कारण हम लोग अनजाने में दुख पा रहे हैं, क्योंकि उन ग्रंथों से हम दूर हो गए। बिल्कुल बाबू, और यही प्रयास हम लोग का, इसीलिए काल करी सत्संगा। जी जी जी, अपनी बात पूरी करें। जी जब बहुकाल करी सत्संगा, जब जीव बहुत समय तक सत्संग करता रहता है, संत महापुरुषों की संगति करता रहता है, जो वेद और शास्त्रों को जानने वाले हैं ऐसे महापुरुषों का, ऐसे सज्जनों का संग करता है, तभी उसका जीवन
अधिक सुचारू रूप से चल पाता है। बिल्कुल बाराजी, और इसीलिए हमने आप जैसे संतों को आमंत्रित किया है ताकि आपके जरिए मार्गदर्शन भी मिले और लोग समझ भी पाएं। और आपसे अंतिम प्रश्न ये कि एबीपी गंगा के गंगा प्रतिज्ञा इस संकल्प में आज बापू चिन्मयानंद क्या संकल्प लेंगे गंगा की सुरक्षा को लेकर, गंगा की पवित्रता को लेकर, जिससे एक बड़ा मैसेज जाए और अभियान बड़ा हो, लोग अपनी जिम्मेदारी समझें। जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैं पहले भी संकल्पित और आज भी एबीपी गंगा के साथ ये संकल्प ले रहा हूं मैं, और साथ ही भारत के सभी लोगों को मेरी प्रार्थना है, जवान भाई बहनों को भी मेरी प्रार्थना है, जो भी जहां से मेरी आवाज सुन रहे हैं, हिमालय से लेकर के गंगा सागर तक, सभी लोगों को मेरी यही प्रार्थना है कि माँ को बचाया जाए, माँ को पवित्र रखा जाए और माँ को अविरल रखा जाए। गंगा हमारे पाप को धोती है, हमारे मैल को धोती है, इसलिए मैं संकल्प लेता हूँ कि जब जहाँ जिस भूमि पर मैं हूँ, हरिद्वार में, यहाँ तो मैं मेरी ओर से प्रयास करता ही हूँ, और साथ में एबीपी गंगा न्यूज के द्वारा, एबीपी गंगा के द्वारा जैसा भी समय समय पर जो भी मार्गदर्शन होगा, इनके साथ में मिल करके इस संकल्प में मैं आगे बढ़ूंगा। और साथ ही मैं लोगों को भी अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग भी हमारे साथ होंगे और हम गंगा मैया को बिल्कुल निर्मल और स्वच्छ रखेंगे। धन्यवाद महाराज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए और संकल्प लेने के लिए कि गंगा की जो पवित्रता का अभियान है वो आप भी आगे बढ़ाएंगे और लोगों को भी मार्गदर्शन देंगे।